नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि मार्केट गिरने पर टॉपअप कैसे करें। काफ़ी कमेंट में ये क्वेश्चन था। एक चीज़ ध्यान रखना है, सेम फोलियो में आपको हमेशा टॉपअप नॉर्मल परचेज उसी फोलियो में करना है। SIP भी करना है, टॉपअप भी करना है, तो मिनिमम फोलियो, कम से कम फोलियो होना चाहिए। ज़्यादा फोलियो में होगा क्या, कभी भी आप स्टेटमेंट निकालेंगे अलग अलग फोलियो वाइज स्टेटमेंट निकलता है। मिनिमम फोलियो, जितना स्कीम है उतना ही फोलियो। ऐसा नहीं कि एक स्कीम में 10-20 तरह का फोलियो निकल रहा है, ऐसा नहीं करना है। और जब जब मार्केट गिरे, अभी थोड़ा सा गिरा है, दिखाएंगे कितना गिरता है। जब जब गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहना है। हम तो 14-15 साल में यही किए हैं, जब जब मार्केट गिरा है तब तब खरीदा है। अभी अगर देखा जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 2.5-3% तक डाउन है, मिड कैप लगभग 2% तक डाउन है। तो इसमें मैं आज परचेज करने जा रहा हूँ, फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप, टॉपअप करना है। पहले से पैसा है लगा हुआ, 3 लाख लगाया था, 5,54,000 दिख रहा है अब इसमें। अब कल के गिरावट में इतना पैसा गिरा है, ठीक है कोई बात नहीं, आज और गिरा है, मार्केट गिरा है तो इन्वेस्ट करते हैं इसमें। टॉपअप में गए, इन्वेस्ट मोर में गए, यहाँ पे लमसम लिखा हुआ है वन टाइम, इसी को टॉपअप बोलते हैं। सेम स्कीम में इन्वेस्ट करने के तरीके को ही टॉपअप बोलते हैं। कोई लमसम बोल दे, कोई वन टाइम बोल दे, मैं टॉपअप बोल देता हूँ। 25,000 रुपया लिखा इसमें, 25,000 लिखा, और मैंडेट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ पे गए, तो सारे बैंक डिटेल्स वगैरह आ गए। नेट बैंकिंग से करना है, UPI से करना है, मैंडेट से करना है, वो मैंडेट ऑप्शन आ गया। अब इसमें इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्ट नाउ पे गए, OTP आएगा, OTP आया 9708, 9708 सबमिट किया। एक यहाँ पे और मैंडेट वाला OTP आया, 5522। आपके केस में भी एक आ सकता है, दो आ सकता है, जैसे आया ये यहाँ पे सक्सेसफुल 25,000 क्वांट में हमारा लग गया। अब यहाँ पे यूनिट अलॉट नहीं हुआ है, NAV अलॉट नहीं हुआ है। NAV आज रात में जब डिस्क्लोज होगा, उठापटक मार्केट में चल रहा है, अब जो भी रेट डिसाइड होगा 9 बजे रात में, उस रेट से हमें मिल जाएगा। इसमें भी चक्कर है कि आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अभी जो परचेज किया हमने, स्कीम के अकाउंट में पैसा जाएगा उस दिन NAV मिलता है। तो कभी कभी नेट बैंकिंग के केस में सेम डे मिल जाता है, या SEH किया, मैंडेट के थ्रू किया, अगर उनके अकाउंट में गया तो सेम डे में हो जाएगा। इसके चक्कर में फंसेंगे, समझ में नहीं आता है कि NAV कब अलॉट होता है। सेम डे हो जाता है, अगले दिन हो जाता है, उसके बाद होता है, वो जब मिल जाएगा स्टेटमेंट पे दिख जाएगा, समझिए कि NAV अलॉट हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स को लेते हैं। कॉमेंट में मेरा 6 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में टाटा एशियन पेंट में है, बजाज फाइनेंस में है, पॉली कैप में है, लगाया है, अब क्या करूं, वहां से निकल करके स्मॉल कैप में चले जाऊं। बिल्कुल चले जाना चाहिए, 3-4 स्मॉल कैप और एक SBI 250 इंडेक्स फंड, बराबर बराबर पैसा शेयर मार्केट से निकल करके म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के थ्रू चले जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। सर मैं हाउस वाइफ हूँ, 1 लाख रुपया सेविंग करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेटे के लिए, 12 साल का बेटा है, कहाँ करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मल्टी कैप फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। 1 लाख रुपया है, 25-25,000 रुपया करके 4 फंड में आप लगा दीजिए। क्वांट एक्टिव फंड, इन्वेस्को मल्टी कैप, निपोन इंडिया मल्टी कैप, ICICI मल्टी कैप। AUM वाइज, परसेंटेज वाइज पिछले 10 साल में काफी अच्छा इसमें AUM है, 8,000 करोड़, 3,000 करोड़, 25,000 करोड़, 10,000 करोड़। इसमें बराबर बराबर पैसा लगा के आप लगा सकते हैं। कुछ पैसा पर मंथ आता है तो SBI स्मॉल कैप, निपोन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप में आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1 लाख रुपया 1% के लोन पे लमसम कर दें। ये जो है ना, जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनको लगता है कि कहीं से आ जाए पैसा, लगा दें और रातों रात करोड़पति बन जाए। कैलकुलेट करते हैं कि आपने मान लो 1% पे लिया, यही करना चाह रहे हैं, 1% पे लिया तो 1,000 रुपया आपके जेब से पैसा जाएगा ना हर महीने। किसी से लिया, सेठ साहू किसी से लिया, 1 लाख लिया, उसको लगा दिया, लेकिन आपके जेब से कितना जा रहा है, 1,000 रुपया पर मंथ। ना लोन लेते और उसी 1,000 रुपया को 20 साल तक SIP करते रहते, 15% के रेट से अगर रिटर्न मिलता, 2,40,000 जमा होता, 15,15,000 रुपये बनता अगर लोन वोन नहीं लेते तो। अब दूसरा है कि आपने लोन ले लिया, 1-1,000 रुपया उस साहू को जाता जा रहा है, देते रहेंगे 20 साल तक, अगर वो 1% पे ही एग्री करता है तो। उस लमसम 1 लाख रुपया को लगा दिया मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, 20 साल के लिए, वही 15% रिटर्न मिले तो 16,36,000 बनता है। एक जगह कुछ भी कुछ नहीं किया, 15,15,000 बना, दूसरे जगह 16,36,000 बना, कितने का फर्क पड़ा।
एक 1.25 लाख रुपया का फर्क पड़ा, कितना मगजमारी क्यों करना है, क्या 1% से ही वो लेगा क्या ज़्यादा लेगा, तो इतना में नहीं पड़ना है कभी भी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोन लेके आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपके पास जितना पैसा है 500 रुपया है, 100 रुपया है, 250 रुपया है, 1000 है, 2000, उतना ही लगाना है। धीरे धीरे जब इनकम बढ़ेगा तब आप ज़्यादा पैसा लगाने का कोशिश कीजिए। वो सब तो ठीक है, आजकल शादी के लिए खुद का घर होना जरूरी है, नहीं तो शादी ही नहीं होगा, और 10 साल के बाद घर लेंगे तो शादी नहीं होगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे जिंदगी में भी हुआ। आप दिल्ली में लेंगे तो 20 लाख का प्लॉट मिल रहा है या छोटा मोटा घर मिल रहा है, थोड़ा दूर जाएंगे तो 10 लाख में मिल रहा है, और थोड़ा सा दूर जाएंगे 1.25 लाख रुपया का छोटा सा प्लॉट लेके रख लीजिए, रहिए रेंट पे दिल्ली में, और शादी करने के समय बोलिए एक प्लॉट लेके रखे हैं, एक कट्ठा आधा कट्ठा वहीं घर बनाएंगे। हमने भी 1.5 लाख का लेके रखा था शादी करने के लिए। अब किस एक बार जब छोटा टुकड़ा ले लिए तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपने नहीं लिया है, लिया ना, कहाँ लिया ये कोई देखने वाला नहीं है। एक बार शादी हो जाए फिर एक जगह पे रहिए, रहिए वहीं जहाँ पे आप काम करते हैं, सुदूर नहीं रहना है अपना घर बना करके, फिर आने जाने में ही ट्रैफिक में ही आधा जवानी निकल जाएगा, नहीं जवानी बर्बाद नहीं करना है। जहाँ काम करना है, जहाँ ऑफिस है उसके आसपास ही रहना है, वॉकिंग करके पैदल चले जाएं काम करने के लिए। जब पैसा होगा तब फ्लैट लीजिए, प्लॉट लीजिए, महल बनाइए, जो करना कीजिए, शुरुआत में दिखाने के लिए, इस झंझट से हटने के लिए ज़्यादा नहीं 1.5 लाख रुपया का आप लेके रख लीजिए, और बचे हुए पैसे को जो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा बच रहा है उसको SIP म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते रहिए। आगे है, मैं जानना चाहता हूँ अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपया हो जाए और पिछले 3 साल में, आने वाले 3 साल में सेंसेक्स रिटर्न ना दे तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी को बोलते हैं म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। मार्केट अगर 3 साल नहीं बढ़ा तो पैसा नहीं बढ़ेगा भाई। अगर आपका लार्ज कैप में ही पैसा इन्वेस्टेड है और आप सेंसेक्स उस समय नहीं बढ़ा 3 साल तक तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, वो सेफ, सेफर, सेफेस्ट, PF, NPS सब तो वहीं झोंक के रखा है पैसा, वो कैसे देंगे। तो बहुत लंबा समय तक ये चालबाजी गिरावट का नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है तो पैसा बढ़ेगा। अगर हुआ तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो 7 समंदर पार बैठा है ना, वो सोच समझ के चालबाजी करते हैं। आगे है, राजू सर इक्विटी थीमेटिक PSU फंड में करना सही है या नहीं। ये दिमाग हम नहीं लगाते, फंड मैनेजर को बोल दिया स्मॉल कैप में लेना है, अब वो थीमेटिक ले ले, PSU ले ले, कुछ भी ले, टेक्नोलॉजी खरीदे, वो फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अमीर हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं तो सब में बिखेर के लगा दीजिए। हम फंड मैनेजर को पैसा दे दिए हैं, अब वो कहाँ लगाए वो फंड मैनेजर का सिरदर्दी है। अगला क्वेश्चन है, सर मार्केट शनिवार को चलता है उसका पैसा म्यूचुअल फंड में ऐड क्यों नहीं होता है। बिल्कुल होता है, मंडे को पता चलता है, मार्केट तो खुला है सैटरडे को, आने वाले दिनों में हो सकता है संडे भी खुल जाए, हो सकता है 24 घंटा 7 दिन 365 दिन खुले, पर आदमी को तो छुट्टी चाहिए ना, वो मंडे ही अपडेट होगा एंड मंडे जोड़ जाड़ के सारा आ जाता है, घबराइए नहीं, कहीं नहीं जाता पैसा। राजू जी ये बताओ आपका गुरुजी कौन है। हमारे गुरुजी को मोगम्बो ने ऊपर भेज दिया है, हम भी ज़्यादा दिन टिकने वाले हैं नहीं, ठीक है, खोजिए किनको किनको मोगम्बो ने ऊपर भेजा है समय से पहले, तो वो चले गए हैं। अब अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा है, मैं पीछे वीडियो बनाया था कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से 20-22 लाख रुपया हुआ, मैंने 5 लाख रुपया लगाया था हुआ, तो वहाँ से मैं पेंशन लेना शुरू किया 12,000 रुपया पर मंथ। तो पिछले महीने फरवरी 5 फरवरी को 11,974 रुपया आया, कम आया, 12,000 से कम आया, क्योंकि उस दिन आज कैलकुलेट हुआ लेकिन रात में थोड़ा सा मार्केट हलचल हुआ, रात का NAV थोड़ा सा गिरा तो थोड़ा सा पैसा कम मिला। लेकिन आज इस बार देखते हैं 5 मार्च को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हुआ, क्यों, क्योंकि आज NAV कैलकुलेट तो हो गया लेकिन रात में जब डिस्क्लोज हुआ तो मार्केट थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो 12,000 से थोड़ा सा पैसा बढ़ा हुआ मिला। तो हर महीना नाटक आप देखेंगे कि जितना आपने तय सीमा किया है 12,000 किए हैं, 12,000 से थोड़ा सा कम या 12,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर मार्केट अप है तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगर मार्केट डाउन है तो थोड़ा सा कम मिलेगा। उस दिन का ट्रांजेक्शन 9 बजे रात में शो हो रहा है इसीलिए। अगला है, मेरा एज 28 साल है, 8,500 रुपये पर मंथ जॉब में अर्निंग है, मतलब सैलरी है, और कुछ खर्चा नहीं है, घर वाले कोई खर्चा लेते नहीं है, और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा मंथली एक्सपेंस मात्र 500 रुपया है। भाई 500 रुपया है तो खर्चा को बढ़ाओ, किसी लड़की से प्यार करो, उसके पीछे दीवाना हो, वो 3-4 हज़ार रुपया खर्चा करो, अभी क्या है ये, 18 साल का एज है,
ये जवानी निकलेगा तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर प्यार नहीं हुआ तो जिंदगी भर गाना नहीं गुनगुना पाओगे। तो इस एज में प्यार होना जरूरी है। 1-2 हज़ार करना है, ज़्यादा नहीं, और 3-4 हज़ार रुपया किसी सुंदर लड़की के पीछे खर्चा करो, प्यार मोहब्बत करो, म्यूचुअल फंड में पैसा बन जाएगा। वीडियो देखते रहे, पैसा पक्का बनना है 1 करोड़ रुपया, घबराना नहीं है। शुरुआत में आप SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप में 1-1 हज़ार, बाकी सारा पैसा PVR घूमने जाओ, छोले भटूरे खाओ, जो करना है करो, कुछ करो, ऐसे नहीं रुकना है। आगे है, राजू भैया मेरे पापा अब बिल्कुल ठीक है, अमित जी ने सिंपल डाइट बताया और उससे ये छुड़वा दिया। ये वर्ड मैं नहीं बोलता, इस वर्ड को मैं चॉकलेट बोलता हूँ, ठीक है, ये खतरनाक वर्ड है, तो हम इसको नहीं बोलते। ये भी छूट गया, चॉकलेट अलार्म लगा के खाते थे, जंगल से में गए थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, सुबह दोपहर शाम उसको छोड़ दिया और अब सब कुछ ठीक है। अब मैं आपको ना एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। पहले जमाने में जब लोग ऊपर जाते थे ना, दादा परदादा, तो पंचायती भोज होता था, पूरे 5 गांव का लोग भोज करता था। हमारे बाबूजी भी गए तो 5 दिन तक भोज भात चलते रहा, सुबह दोपहर शाम। लेकिन सोचो कोई जंगल में एक्सपायर हो तो वहाँ तो 10-20 लाख का फर्रा आ जाएगा, और सारा फर्रा जिंदगी का वहीं पैसा चला गया, तो भोज क्या करेंगे, खाक। कोई किसी को सुने हैं आजकल समाज में कि पंचायती भोज चल रहा है, 2-3 दिन तक लगातार बैंड बाजे बारात के साथ भोज चल रहा है ऊपर जाने के बाद? नहीं, पैसा ही नहीं है, सब लुटेरा लूट के ले गया। तो इस अमित जी के चक्कर में फंसेंगे ना, तो 1-2 हज़ार 3 हज़ार में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा परिवार ठीक हो जाएगा, तो पैसा बचेगा। जब ऊपर जाएंगे तो बरातियों का स्वागत पान पराग से धूमधाम के साथ, तो पैसा बचाना है। बचाने वाला तरीका अमित जी बता देंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कितने साल से हो, सब कुछ भूल भाल करके ये जो बताते हैं 7 दिन कर लीजिए, तो पैसा बचत ही बचत होगा, ज्यादा बचेगा तो पंचायती भोज आप भी कर लीजिएगा। अगला है, सर 1 साल में 500 करोड़ रुपया कैसे कमाए? अरे बाप, तगड़ा क्वेश्चन। मान लो हो गया 500 पे 7 जीरो दे दिया, करोड़ में 7 जीरो होता है, दे दिया, अब क्या करोगे? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था, अच्छा खासा राजा था, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, गोल्फ भी खेलता था, बैडमिंटन भी खेलता था, गाना भी सुनता था। उसको आ गया मन में आकांक्षा ना, चक्रवर्ती राजा बनना है। अरे बन जाओगे चक्रवर्ती राजा? मंत्री पूछा, बन के करेंगे क्या? बोला ना, वो कैलाश पर्वत पे अपना नाम होना चाहिए, जो भी चक्रवर्ती राजा बनता है वहां पे अपना नाम होना चाहिए, वहां नाम दर्ज होता है जो चक्रवर्ती राजा बनता है। सबको मार धाड़ के एक किया, 10 साल में चक्रवर्ती राजा बन गया। अब गया लिखने के लिए कैलाश पर्वत पे चढ़ के, पुजारी बैठे हुए थे आगे में, बोला सुनो राजा, सुनो वाइफ को लेके अंदर मत जाना। बोला क्यों? बोला मत जाओ, बेइज्जती होगा। अच्छा, रुक गया, गया अंदर, वहां देखा कि ढेरों सारा नाम लिखा हुआ था पहले से, चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती राजा, कहीं नाम ही नहीं, जगह नहीं है, लिखे कहां मंदिर में? तो बोला क्या रहे हूं क्या? बोला मिटा दो, किसी एक को मिटा दो, अपना लिख दो। बोला मिटा दूं, फिर तो मेरा भी कोई मिटा देगा फ्यूचर में, यही हो रहा है। आप 500 कर लो, 1000 कर लो, कितना भी कर लो, इससे पहले भी बहुत लोग कर चुका है। तो जिंदगी जिए, 1-1 करोड़ हो जाएगा उसी में जाइए, फूल का सुगंध लीजिए, धूप में बैठिए, 700 ग्राम फल खाइए, अमित जी को कांटेक्ट कीजिए, जंगल जाना नहीं है, सब कुछ अपने आप करना है, ठीक है? ये इतना हो जाएगा तो भी आप सुखमय जिंदगी नहीं जी सकते हैं। अंत में एक जरूरी सूचना इन्वर्टेड कॉमा में, ये टीवी मीडिया रिंगटोन है ना, आने वाले फ्यूचर में देखेंगे, ये वाला अटैक, ये वाला चेंज, और ये साइबर, ये वाला भी अटैक, मैनमेड, कुछ भी अपने आप नहीं होता है। H पर प्लान, हमें आपको डराने के लिए रिंगटोन में आएगा, चिंता मत कीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देता हूँ, जहाँ भी देखिएगा इसी तरह का बात चलेगा, आपको इसी तरह या उसी तरह मच्मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।